वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन और लास्ट में इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम तीन ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज का होगा लेक्चर, कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ रूल्स है वो रूल्स पूरे पढ़ेंगे। लेकिन आज पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन परिभाषा क्या है। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है यह रेफर करता है, सूचित करता है एक्शंस को, उन कार्यों को सूचित करता है जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने जब बोल रहे हैं उसके पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कंप्लीट हो चुके हैं और फिर बोलने के समय के पहले भी जांचेंगे दोनों चीज। तो ध्यान क्या रखेंगे हम इसमें कि सिंपल पास्ट टेंस उसी टेंस को बोलते हैं कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस कार्य के, जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वह एक्शन बोल जब बोल रहे हैं तो उसके पहले ही कंप्लीट हो चुका है, बोलने के से पहले ही कंप्लीट हो। जैसे मीरा लाइक्ड द न्यू बुक, मीरा लाइक्ड, मीरा पसंद की द न्यू बुक, नए किताब को। तो जब मैं बोल रहा हूँ उससे पहले ही मीरा ने पसंद कर लिया है। दूसरा एक्शन क्या है, पसंद करना। राम वेंट टू पटना, राम पटना गया। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं स्पीक कर रहा हूँ, उसके पहले ही जाने का काम हो चुका है, राम पटना जा चुका है। ठीक है, रमेश मेट सोहन एस्टरडे, एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो जब बात कर ही रहे हैं एस्टरडे का तो काम कंप्लीट हो ही गया होगा। एनीवेज रमेश मेट सोहन, रमेश सोहन से मिला कल, कल रमेश सोहन से मिला। तो जो मैं बात बतला रहा हूँ वह काम कंप्लीट हो गया है पहले ही। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। गांधी डाइड इन 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह भी कंप्लीट हो चुका है। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज न्यूटन ने किया, तो यहाँ पे खोज हो चुका है। तो इस तरह से जितना एक्शन हुआ, लाइक करने का, चाहे जाने का, चाहे मिलने का, चाहे मरने का, चाहे खोज करने का, सारा एक्शन जब बोल रहे हैं अभी, इससे पहले खत्म हो चुका है। इसे ही कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और ऐसे ही सेंटेंसेस को रखना पड़ता है सिंपल पास्ट टेंस में सामान्य भूत काल में। तो एक पोर्शन कंप्लीट किया डेफिनेशन। नाउ आइडेंटिफिकेशन आएगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। पहचान हम कैसे करते हैं हिंदी का सेंटेंस को कि वह सिंपल पास्ट टेंस में है। पहचान के लिए दो तरीके हैं। एक जो यहाँ पे मैं घेर रहा हूँ, अंत में आ, ई और ए होना चाहिए। दूसरा क्रिया के अंत में, यह भी क्रिया का ही अंत में, क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे होना चाहिए। तो पहले ता था, ती थी, ते थे कर लेते हैं। आपको थोड़ा अगर याद होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ जी हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, उसमें था कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो। यह सब रहेगा तो क्रिया के अंत में ये सब रहेगा तो उसे हम कहते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या है, प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट था, भाई सिंपल पास्ट है, तो जहां पे ह है ना उसको थ बदल दीजिए। ता है तो ता था, ती है तो ती थी, ते है तो ते थे, और ये ह वाला नहीं होता है और ते वाला भी नहीं होता है, इसलिए इन सबको काट देंगे। तो
ये तीन रखेंगे और तीन को ही पास्ट में बदल देंगे, ह को थ कर देंगे, तो ता था ती थी ते थे, एक तो ये परिचय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ती थी दिया है लास्ट में, यह क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस। इधर देखिए यहाँ भी ती थी दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस, मैं खाता था, यहाँ पे ता था है, यह क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस। ते थे वे पढ़ते थे, ते थे है क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस, तो ऐसा होना चाहिए अंत में। दूसरा दूसरा क्या है क्रिया के अंत में आ ई ए, एक्चुअली आ ई ए क्लियर नहीं होता है, आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ता है, जैसे कि लिखा है तो जो ये क्रिया है क्रिया का वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। लिखा का वर्ण विच्छेद क्या होता है छोटा ल मतलब हलंत वाला, फिर ई ली हो गया, अब फिर ख व्यंजन में छोटा ही रहता है, और फिर आ, तो अंत में क्या है आ है ना यहाँ पे, तो लिखा आ की आवाज भी आ रही है तो यहाँ पे आ। इधर देखिए लिखे ए यहाँ पे ए, लिखी यहाँ पे ई, तो क्या है यहाँ पे आ हो गया, इधर ए हो गया, इधर ई, तो आप देख रहे हैं कि अंत में ता था ती थी ते थे होना चाहिए, नहीं तो अंत में आ ई ए होना चाहिए, आपको दिख रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आइडेंटिफिकेशन हिंदी में। और सेंटेंस भी आप देख रहे हैं राम ने पत्र लिखा, सीता पत्र लिखती थी, वे लोग पत्र लिखे, तुम पत्र लिखे, तुम पत्र लिखी, मैं पत्र लिखती थी। अब इसको आप जैसे लिखा है तो आप इसमें ता वाला भी जोड़ सकते हैं, जैसे कैसे राम ने पत्र लिखा, चाहे राम पत्र लिखता था, यहाँ पे राम पत्र लिखता था, सेंटेंस कैसा भी हो जाएगा था रहेगा, तो यह भी वही है, मतलब है यह भी वही है, बस यही अंत में ता था यहाँ पे है, यहाँ पे आ है, बात एक ही है, तो ता था के रूप में लिखा मिलेगा सेंटेंस, चाहे आ ई एक रूप में मिलेगा, लेकिन किसी भी रूप में मिले लिखने वाले की बोलने वाले की मर्जी होती है, होता क्या है सिंपल पास्ट टेंस ही, सामान्य भूत काल ही। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, कैसे बनाते हैं, तो इस सबसे आसान स्ट्रक्चर है किसी टेंस का तो यही है सिंपल पास्ट का। क्या आप जानते हैं कि सारे टेंस के शुरू में होते हैं सब्जेक्ट और अंत में होना है ऑब्जेक्ट, खाली याद क्या रखना है इसको V2 याद रखना है, V2 वर्ब 2, जैसे यहाँ पे लिखना का चल रहा है तो लिखना का आप वर्ब जानते हैं राइट रोट रिटेन राइटिंग राइट्स, पांचों लिख, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर, कौन सा वर्ब V2, तो रोट करना पड़ेगा, तो अब जहां जहां लिखा लिखी कुछ भी दिख रहा है आपको V2 खाली रोट करना है। राम ने पत्र लिखा तो क्या होगा राम, फिर रोट हो जाएगा और पत्र और लेटर, सीता पत्र लिखती थी तो सीता हो जाएगा, रोट और लेटर तीनों को हम रिपीट कर देंगे, वे लोग पत्र लिखे तो वे के साथ दे, वे लोग के लिए दे, और यहाँ पे रोट ही रहेगा, और फिर वे लोग हैं तो लेटर्स कर देंगे हम, तुम पत्र लिखी यू रोट, रोट रहेगा अ लेटर, मैं पत्र लिखती थी तो क्या होगा आई रोट अ लेटर, रिपीट हो जाएगा। और एक और ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे नोट में लिखा है, दो ही टेंस है, एक सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका जिसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सामने नहीं रहता है, कभी कभी आता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब को याद रखना कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता था डू या डज, और इसका सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये आपको देखना है। जब सेंटेंस में डू या डज आएगा तब V1 करना पड़ता है आप जानते हैं, और ऐसे ही जब डिड आएगा तब भी V1 करना पड़ेगा, वर्ब का पहला फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। जरा देख लीजिए, जैसे मैं नहीं ख
खाता था। बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो मैं का तो जानते हैं, अब नहीं है तो आप जानते हैं, नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा और फिर नॉट हो जाएगा। अब डिड आ गया तो वी वन ही आएगा, आई डिड नॉट ईट, ये समझेंगे। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव ही रहे, क्या मैं खाता था, तो क्या करेंगे आप, इंट्रोगेटिव है तो डिड को बाहर निकालेंगे, डिड आई और डिड आ गया है तो वी वन ही आना है, तो डिड आई ईट। एक और कर लें, तुम कैसे पढ़ते थे, तो ये क्या होगा, कैसे का हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हाउ डिड यू और पढ़ना का रीड क्वेश्चन मार्क, तुम कैसे पढ़ते थे। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब भी रहेगा, इंट्रोगेटिव चाहे निगेटिव सेंटेंस, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो वी वन का ही यूज करेंगे सेंटेंस में, और नहीं तो सिंपल सेंटेंस रहेगा। अगर सेंटेंस केवल अफर्मेटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो वहां पे वी टू का प्रयोग करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, हमने क्या पढ़ा, इसमें सिंपल पास्ट टेंस का हमने डेफिनेशन पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा उसका आइडेंटिफिकेशन का दो तरह से देखा, और तीसरा पढ़ा हमने इसका स्ट्रक्चर। हम अगले लेक्चर में जो सिंपल पास्ट टेंस पे बेस्ड होगा, उस पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।